हेलो दोस्तों, मैं रेनु दुबे देसी किचन बाय रेनु डी चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये पकौड़े देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं ना, इसको एक बार बना कर खाएंगे दोस्तों तो आप समोसे खाना भूल जाएंगे, इतना अच्छा लगता है खाने में ये पकौड़ा, और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों त्यौहार का सीजन चल रहा है तो कुछ चटपटा खाने और बनाने का सबका मन करता है, तो आप ये पकौड़े एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, कितने अच्छे लगते हैं खाने में। और आप इन पकौड़ों को ब्रेड के साथ खाइएगा दोस्तों, ब्रेड के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों, हम अपने पकौड़ों की रेसिपी को बनाना शुरू करें, उससे पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को फुल वॉच करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम अपने वीडियोज़ को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी आलू की पकौड़ी रेसिपी को शुरू करते हैं, जिसके लिए दोस्तों हमने अपने आलू को उबाल के छील के देखिए मैश कर लिया है। हमने 3-4 आलू लेके इसको मैश कर लिया है अच्छी तरह से, और अब इसको हम आगे का काम शुरू करेंगे इसमें बनाने का। तो इसके लिए हमने देखिए प्याज को बारीक काट लिया है, और इसमें हम प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज को ऐड करने के बाद अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और लाल मिर्च पाउडर इसी में हम ऐड कर देंगे, और थोड़ा इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा इसमें हम मैगी मसाला ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए, और अब इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, नमक बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमें अभी आगे भी जो हम बनाएंगे उसमें नमक ऐड करना है हमें। देखिए, इस तरह से हमने अपने आलू की बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे, ऐसे हम अपनी सारी बॉल बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने अपनी बॉल्स को बनाकर रेडी कर लिया, और अब हम अपना आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इधर हमने बाउल ले ली है, और अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे, 2 चम्मच के जितना इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे, और अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए ढक कर रख देंगे। बहुत पतला इसका बैटर हमें नहीं बनाना है, जिससे कि हमारी बॉल्स में खूब अच्छी तरह से बेसन ऐड हो जाए जब हम इसको छाने। तो इसको हम लगभग 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, फिर उसके बाद हम आगे इसको बनाना शुरू करेंगे। देखिए, इधर हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, और गैस के ऊपर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, और अब हम कढ़ाई के अंदर रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। अब इसको गर्म होने देंगे हम कुछ देर के लिए, और हमारा वेटर इधर देखिए सेट हो चुका है खूब बढ़िया, और अब हम अपनी पकौड़ी को बनाएंगे। तो देखिए, हमने अपने पकौड़ियों को बनाने के लिए जो बॉल रेडी करके रखी है उसको इसमें इस तरह से हम डीप कर लेंगे, इस तरह से डिबो कर फिर अपनी कढ़ाई के अंदर इसको ऐड करेंगे। तो दोस्तों, इधर हमारा तेल भी देखिए को अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, और अब इसमें हम इस तरह से अपनी बॉल्स को ऐड करेंगे। इस तरह से इसको बेसन को लगा लगा करके हम अपनी बॉल्स को उसमें ऐड कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी पकौड़ियाँ हो चुकी हैं, अब इनको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम अपने और भी बॉल्स को ऐड करके इसमें छान लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे आलू बॉल्स के पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं, और हमने इनको सर्व भी कर लिया अच्छी तरह से। और दोस्तों, इन पकौड़ों को आप ब्रेड के साथ लगा के खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है दोस्तों ये पकौड़ा। आपके घर पे अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप इस तरह से बनाएं, और फिर इन पकौड़ों को ब्रेड के साथ लगा के दीजिए खाने में, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।